सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मदिन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह ताला की फजल करम से खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें हम छाइयों से रिलेटेड बात करेंगे। मैंने जो है जो अब मेरा जो रिव्यू है, मैं डॉक्टर के पास गई थी तो मैंने उन्होंने मुझे ये क्रीम रिकमेंड की थी, लेकिन उससे पहले मैं बहुत कुछ ट्राई कर चुकी थी क्योंकि आपको पता है कि छाइयाँ जो हैं वो आते तो उनका पता नहीं चलता, लेकिन जब हम उनको रिमूव करने के बारे में सोचते हैं तो हमें लग पता जाता है। चाहे हम लोग कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर लें या मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल कर लें। अच्छा, जब मैंने ये क्रीम परचेज़ की, इसको इस्तेमाल किया, तो बिलीव मी मेरा फेस जो है ऐसे क्लियर हो गया जैसे मेरे फेस पे कोई छाइयाँ थी ही नहीं। तो लेकिन इसका ये छोटी सी ट्यूब है जो है कॉस्मिलान के नाम से, और 20 mg की ये बोतल है, सॉरी 20 mg की ये ट्यूब है। ये जो है मैंने इसको 4 दफ़ा परचेज़ किया है। अब 4 दफ़ा मैंने इसको क्यों परचेज़ किया ये मैं आपको बताती हूँ। जब मैंने इसको इस्तेमाल किया तो मेरा फेस बिल्कुल क्लियर हो गया, साफ़ हो गया, मैं खुश थी कि चलो जान छूटी। अच्छा, जब 1 हफ्ता के इस्तेमाल के बाद जब मैंने इसको छोड़ा तो आफ्टर 10 डेज़ के बाद, तो तकरीबन 10 दिन के बाद मैंने जब इसको छोड़ा हुआ था तो मेरा फेस पे दोबारा से जो है ना छाइयाँ आना शुरू हो गई। मैंने दोबारा से ये क्रीम परचेज़ की, दोबारा से इस्तेमाल करना शुरू किया कि किसी तरीके से इनसे जान छूट जाए। तो लेकिन वही हुआ कि आफ्टर 10 दिन के बाद दोबारा से फिर से छाइयाँ आना शुरू हुई, कलर डल हो गए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इतना अच्छा रिजल्ट्स देती है, जैसे मतलब बिल्कुल फेस को क्लियर कर देती है, जैसे हम लोग कोई नाइट क्रीम इस्तेमाल कर रहे हों तो उनका रिजल्ट्स होता है कि बिल्कुल फेस जो है वो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, गोरा चिट्टा हो जाता है। ये ऐसे रिजल्ट देती है। और तो मैंने जब इसको फिर छोड़ा तो मेरा फेस दोबारा से वही हाल हो गई। तो मैंने इसको रेगुलर 4 दफ़ा परचेज़ किया और 4 दफ़ा मैंने इसको इस्तेमाल किया, लेकिन वही रिज़ल्ट हुआ। तो मैंने आप लोगों से ये बात शेयर करनी थी कि हम लोग चाहे कॉस्मेटिक इस्तेमाल कर लें, चाहे हम लोग मेडिकेटेड क्रीम इस्तेमाल कर लें, जब तक हम लोग अपना अंदर से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, छाइयाँ जो हैं वो फेस से कभी भी रिमूव नहीं होंगी, परमानेंटली नहीं जाएंगी, जो है ना वक्ती तौर पर चली जाएंगी। फेस हमारा साफ़ हो जाएगा क्रीम, मेडिकेटेड क्रीम से, फार्मूला क्रीम से भी जैसे वक्ती तौर पर रिज़ल्ट मिलता है, सेम वही चीज़ ये रहती है। बस फ़र्क ये है कि फार्मूला क्रीम जो हैं वो स्किन को ख़राब करती हैं, इनका हमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये रिज़ल्ट नहीं देगी, ये आपके फेस को बिल्कुल साफ़ और क्लियर कर देगी। लेकिन अंदाज़ जब आप इसको छोड़ेंगे तो दोबारा से आपके फेस पे छाइयाँ दोबारा से आ जाएंगी। तो ये बात बिल्कुल जो ठीक है कि ये आपके फेस से 100% छाइयों को रिमूव कर देगी, लेकिन परमानेंटली नहीं करेगी ये आपके फेस को क्लियर, परमानेंटली आपको रिज़ल्ट नहीं देगी। ये बात मैं कोई 1 दफ़ा क्रीम यूज़ करने के बाद आपको नहीं बता रही, मैंने इसको आपको तो बता रही हूँ कि मैंने इसको 4 दफ़ा परचेज़ किया है और इसको इस्तेमाल किया है। ये देखें, ये जो है ना ये क्रीम है, पर्पल से कलर की है ये क्रीम है, और 20 ग्राम की ये छोटी सी ट्यूब है, एक फिंगर की जितनी ये क्रीम होती है, और बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। 20 ग्राम की ये क्रीम है छोटी सी, कॉस्मिलान के नाम से आप इसको पढ़ सकती हैं। छाइयाँ जो हैं वो टीनेज गर्ल्स से लेकर बिगनर्स तक सबको आजकल हो रही हैं। तो आपको ये बात क्लियर कर दूं कि आप चाहे मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर लें, बेशक आप इसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन आप साथ साथ अपना अंदरूनी ट्रीटमेंट भी करें कि आपको किस वजह से छाइयाँ हो रही हैं, क्योंकि छाइयों की बहुत सी वजूहात होती हैं। तो आप अपना वो ट्रीटमेंट भी साथ करें ताकि ये परमानेंटली ख़त्म हो, वक्ती तौर पर ना हो, क्योंकि ये क्रीम जो है जैसे ऊपर से वर्क करेगी सिर्फ
अंदर से आपको आपका ट्रीटमेंट ही काम देगा, उसी से आपकी छाइयाँ जो है वो परमानेंटली ख़त्म होंगी, ये आपको वक्ती रिजल्ट देगी। और ये इस क्रीम की जो कीमत है वो अभी जो मैंने ख़रीदी है उसके मुताबिक ये 750 रुपये की मुझे मिली थी, और इससे पहले जो है ये 700 तक की मिलती थी, अब जो है ये 750 रुपये की मिलती है। आप चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, इससे आपका फेस बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर बहुत सी होम रेमेडीज मौजूद हैं, बहुत सी वीडियोस ऐसी मौजूद हैं जिसमें मैंने होम रेमेडीज़ भी शेयर की हैं और क्रीम्स के रिव्यूज़ भी शेयर किए हुए हैं, कॉस्मेटिक्स के रिव्यूज़ भी शेयर किए हुए हैं, तो आप चाहें जाके मेरे चैनल को विज़िट कर सकती हैं और देख सकती हैं मेरी वीडियोज़ को वीडियो। और जितने भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखिएगा, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।